अभी देखिए स्विच बोर्ड कनेक्शन, ये डायग्राम देख के आप आराम से घर में स्विच बोर्ड कनेक्शन घर में कर सकते हैं। फैन कनेक्शन है, गीजर कनेक्शन है, लाइट दो कनेक्शन है, यहाँ पे ट्यूबलाइट कनेक्शन है। आराम से ये डायग्राम देख के आप स्विच बोर्ड कनेक्शन घर में कर सकते हैं, वायरिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फेज है, मेन सप्लाई फेज है, रेड कभी भी फेज रेड में देना, आर थ्री पेज में है तो आर वाई भी, सिंगल पेज है तो रेड में देना। ये रेड जितना लाइन है सब फेज कनेक्शन है, ब्लू ब्लैक लाइन जितना है सब न्यूट्रल कनेक्शन है, और ग्रीन है अर्थिंग कनेक्शन है। ये फेज यहाँ पे स्विच को गया, स्विच से सब आउटपुट को यहाँ पे स्विच, यहाँ पे देखिए एस वन कौन सा गया, S1 मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई आउटपुट जाके लाइट गया, लाइट से यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल जाके वहाँ पे भी न्यूट्रल कनेक्शन, लाइट हुए दो न्यूट्रल कभी लाइट न्यूट्रल कनेक्शन है। यहाँ पे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी है, देखो यहाँ पे स्विच जाके ट्यूबलाइट को कनेक्शन फेज गया और एक न्यूट्रल कनेक्शन गया। अब फैन है, फैन के देखिए ये फैन कनेक्शन है, फैन कनेक्शन के साथ ये रेगुलेटर गया, रेगुलेटर का आउटपुट फैन को गया और एक फैन न्यूट्रल को गया। ये गीजर देखिए, गीजर का स्विच कनेक्शन ये फेज है, मेन फेज है, ये आउटपुट गीजर को ही गया और एक न्यूट्रल वहाँ से गया। और सकेट कनेक्शन भी कंपलसरी है ना स्विच बोर्ड में। सकेट क्या करना, यहाँ पे देखिए मेन सप्लाई, यहाँ पे रेड लाइन है, रेड लाइन से यहाँ से फेज गया, फेज जाके एक सकेट कनेक्शन और एक न्यूट्रल गया, और सकेट में भी अर्थिंग कनेक्शन है, यहाँ पे अर्थिंग कनेक्शन दिया, ये स्विच बोर्ड कनेक्शन। आराम से देखिए ये डायग्राम देखे आप घर में स्विच बोर्ड कनेक्शन कर सकते हैं।